दोस्तों, बच्चों का चहेता सुपर हीरो बालवीर फिर से आ चुका है ओटीटी पर नई चुनौतियों के साथ, नए विलेंस के साथ, नई कहानी के साथ, और उसके बारे में जो ज्यादा है वो खुद बताएंगे बालवीर यानी देव जोशी। देव, क्या कुछ इस बार नया है, क्या कुछ नई चुनौतियां हैं जैसा हमने देखा प्रोमो में, ज्यादा आप बताइए। ऑफकोर्स, सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और इस बार बालवीर सीजन 4 में काफी नए इंटरेस्टिंग विलेंस है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है, काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली स्टोरी लाइन है जो बहुत ही मजा आने वाला है ऑडियंस को देखने में। हमें शूट करने में तो ऑफकोर्स काफी मजा आया है, सो आई होप ऑडियंस को भी पसंद आए। इस बार तो हम एक्सक्लूसिवली सोनी लिव पर आ रहे हैं, सो आप जब भी जब चाहे जहाँ चाहे बालवीर को अपने पास पा सकते हैं, आपके फोन में देख सकते हैं। एंड अदिति नादा, आप लोगों का जो योगदान है बालवीर की जिंदगी में, पॉजिटिव नेगेटिव, वो किस तरीके से बदलने वाले हैं, उसमें क्या कुछ नयापन हमें दिखाई देगा? मैं इनकी जिंदगी और बोझिल बनाने वाली हूँ, मैं इनके पीछे और हाथ धोकर पढ़ने वाली हूँ। अलग अलग लोगों के साथ, लॉट ऑफ विलन्स कमिंग इन दिस सीजन, बहुत सारे विलन्स आ रहे हैं। कुछ लोगों को मैं शतरंज के खेल में से आगे बढ़ा रही हूँ, आगे कुछ अपने आप आ रहे हैं। सो येस, इज गोइंग टू बी द चैलेंज इज मच हायर एंड बहुत सारे विस्फोट होने वाले हैं। तो उनके लिए तो एक्साइटिंग बात हुई कि उन्हें ज्यादा विलेंस के साथ फाइट करना पड़ेगा, आपके लिए क्या एक्साइटिंग चीज थी? क्योंकि वो डोर मेरे हाथ में है, मुझे बड़ा मजा आता है ना, आई एम लाइक दिस पपेटिया, चलो अभी तुम जाकर, अब तुम जाकर। नो, बट यस, इट इज एक्साइटिंग बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न। वही अगर सेम मैं बार बार जाकर हम दोनों लड़े तो उसका मजा भी नहीं आएगा। तो जब ट्विस्ट और टर्न के साथ, साजिश के साथ चीजें बाहर आती हैं तो और भी मजा आता है। एंड काश्वी के लिए? काश्वी हैज़ ऑलवेज बिन अ बालवीर सपोर्टर, सेम है। पहले अनजाने में उसको नहीं पता था कि क्या मतलब बालवीर वॉज नॉट रॉन्ग, पर जब से पता है और सब क्लैरिटी है, वो सेम है। शी इज़ अ ट्रू फ्रेंड, अ ट्रू सपोर्ट फॉर बालवीर, सेम है दोनों के डायनामिक। शो में खैर बहुत कुछ हो रहा है अलग, काश्वी के साथ भी, बालवीर का वीर काश्वी की डायनामिक्स में भी। देव, 12 साल का आपका सफ़र है बालवीर के साथ, आपने मतलब बालवीर को इतना एक आइकॉनिक फिगर बना दिया है अपने एक्ट से, आपका सफ़र इसके साथ किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, बदला है, इस 12 साल के सफ़र को आप किस तरह से देखते हो? सो ऑफकोर्स, जब 7th में था तब बालवीर की शुरुआत की थी, एंड देन आई वॉज जस्ट अ किड। एक कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आपकी हॉबी होती है, तो एक नया कैरेक्टर मिला था, सो आई वॉज रियली एक्साइटेड। लेकिन साथ ही साथ जब बालवीर का किरदार इतना अच्छा रीच मिला, इतना अच्छा प्यार मिला, इतना सहकार मिला ऑडियंस का, तो एक पॉजिटिविटी आ गई अंदर कि कहीं ना कहीं बालवीर का किरदार है वो चेंज क्रिएट कर सकता है। और उसी के साथ सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 और अब सीजन 4, सो आई थिंक बालवीर का कैरेक्टर इवॉल्व हुआ है। उसी के साथ साथ देव जोशी भी इवॉल्व हुआ है। मुझे बालवीर के किरदार से काफी कुछ सीखने को मिला है, जैसे जैसे सच कहूँ तो बालवीर के जो वैल्यूज है, जो एथिक्स है, जो जिस पे वो हमेशा खरा उतरता है, चाहे वो किसी भी विलन से लड़ रहा हो, लेकिन वो अपने एथिक्स पे हमेशा स्टैंड स्ट्रॉन्ग करता है, तो वही चीजें बालवीर को एक सुपर हीरो बनाती है। और वही चीजें देव जोशी भी मेक श्योर करता है कि मैं एज एन एक्टर कहीं भी कोई भी रोल निभाऊ तो वो हमेशा समाज में एक पॉजिटिविटी ले जाए। साथ ही साथ मेरी एकेडमिक्स हो तो उसमें भी मैं हमेशा बेस्ट रहूं, सोशल लाइफ है तो कहीं पे भी किसी को दुख नहीं होना चाहिए। और यही तो मतलब है आपकी ह्यूमन लाइफ का, कि आप जितना हो सके दुनिया में खुशियां फैलाए, लोगों को हैप्पी रखे, जो चाहे वो आप कर सके, और बस दैट्स अ ह्यूमन लाइफ आई थिंक। सो दैट्स व्हाट बालवीर हैज टॉट मी, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि बालवीर के किरदार के रूप में लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। बट मैं एक्चुअली जानना चाहूंगी कि पर्दे के पीछे जैसे जो बालवीर करता है पर्दे के ऊपर, वो तो देखता है, दर्शक देखा है, उन्होंने इतने साल से देखते आ रहे हैं, प्यार करते आ रहे हैं, लेकिन देव को उसने किस तरीके से बदला? क्योंकि कहा भी जाता है ना कि किरदार जो होता है ना वो छाप छोड़ता है एक कलाकार के ऊपर, उसमें कुछ बदलाव लाता है। तो जैसे आप बोल रहे थे कि पर्दे के पीछे अगर जैसे लाइक पहले आप में कौन सी कोई ऐसी चीजें थी जो अगर कुछ खामियां आपने करेक्ट की हों या कोई ऐसी चीजें आप करते हों एज अ देव? नहीं, खामियां तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑफकोर्स जो बचपना होता है कहीं ना कहीं बालवीर जो एज होती है वो बहुत ही टेंडर एज होती है टीनेज वाली, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा बालवीर की शूटिंग में रहा है। और इतनी अच्छी फैमिली थी सेट पे, इतना अच्छा क्रू था कि प्रोफेशनलिज्म में मैं कहीं ना कहीं अपनी टीनेज को बेटर बनाता गया। एक जो स्कूल लाइफ है, साथ ही साथ कॉलेज लाइफ है, और फिर जो मेरी प्रोफेशनल है, वो मैंने साथ में जी है। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा एक ही पे फोकस किया है, तो उसकी वजह से जो मुझे डायनेमिक्स है अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर के, वो काफ़ी यंग एज में सीखने को मिले। एंड ऑफकोर्स माई पेरेंट्स, दे हैव मेड श्योर कि मैं
कहीं भी जाऊं वो मेरा बचपना है, वो हमेशा मेरे साथ रहे. सो ऑफकोर्स आप मुझे अभी देख रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर वही 12 साल वाला देव जोशी है जो हमेशा साथ में होता है और वो हमेशा खुश होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है. सो दैट्स ऑल अबाउट आई एम. अच्छा, चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में ना हमेशा, मतलब आप सब भी अपना ओपिनियन दे सकते हो कि ये कहा जाता है कि वो जब काम करते हैं, बिकॉज काम करने लगते हैं और इट्स अ सीरियस बिजनेस ऑल्सो, ठीक है, एंटरटेनमेंट हम कहते बेशक है, तो इसमें उसका बचपना कहीं खो जाता है. इस बारे में आप लोगों के क्या ओपिनियन है? नहीं, दैट्स नॉट ट्रू. ही इज सच अ, मैं बताती हूँ, सेट पे अंकल आंटी हमेशा होते हैं, राइट, मॉम डैड हमेशा होते हैं. तो आई थिंक दिस वाज 6th, 7th or 8th डे जब हम सब साथ में शूट में, देव को रूम में मिले, किधर है किधर, सडनली आई सी देव इज सिटिंग ऑन हिज मामाज लैप. ही इज स्टिल लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू हिज मदर. ही इज अ लिटिल चाइल्ड एंड उसने कभी भी, मैंने नहीं देखा है कि स्टारडम यहाँ पर चढ़ के, स्टारडम जो है ना वो यहाँ रखा जाता है, काफ़ी लोग यहाँ पे चढ़ा लेते हैं, बट ही नोज कि यहाँ पे रखा जाता है और उसको पचाना आना चाहिए. सो ही इज वन ऑफ दोज, नॉट एट ऑल. बचपना तो हाँ, मैं मानती हूँ कि मिस होता है. आप अगर कोई भी काम करो, नॉट जस्ट एक्टिंग, तो आप नहीं कर पाते. नॉट देव हैज बिन लकी कि उसने वो शो किया जहाँ उसका बचपना लूज नहीं हुआ, बिकॉज द शो वॉज अबाउट सच थिंग्स. तो लकीली ही गॉट एन एनवायरमेंट मेरे हिसाब से. बट अगर कोई सीरियस शो होता, कोई ऐसा शो होता जो काफी अलग कॉन्सेप्ट होता, हाँ बिल्कुल, मैं मानती हूँ ये खो देते हैं 100%. आप बेहतर बता सकते हैं, अगर आप एक्टर नहीं होते बचपन से, तो आप शायद, आप क्या, आपको लगता है कि आप कुछ और एंजॉय कर पाते, या आपको लगता है कि नहीं? नहीं, आई लिव्ड माय ऑल ऑफ द लाइफ्स प्रॉपर्ली, आई कैन से. ऑफ कोर्स काफ़ी चीज़ें मिस होती है, लेकिन आई हैव नेवर रिग्रेटेड देम. और मेरी स्कूल लाइफ है, मैंने बहुत अच्छे से जी है. हमारे सेट पे स्कूल जैसा माहौल हो जाता था, क्योंकि हम 6-7 बच्चे होते थे सीजन 1 में. सो हम साथ में पढ़ाई करने बैठते थे, साथ में खेलते थे और साथ में शॉट देते थे. सो दैट होल एटमोसफियर वॉज सो मच फ्रेंडली. लेकिन साथ ही साथ मैं मानता हूँ कि अगर आप कहीं भी इंडिविजुअली जाते हैं, या फिर उस एज में जब आजकल क्या होता है इंडस्ट्री में, कि कहीं ना कहीं बच्चे को अकेले छोड़ दिया जाता है किसी और के भरोसे, या फिर कोई मेड लेके चली जाती है, या फिर कोई बॉय रख दिया तो वो संभालता है. दैट्स द रॉन्ग थिंग. आप अगर पेरेंट है बच्चे के, तो आपकी जिम्मेदारी है उस बच्चे को एक अच्छा बचपन देना. सो मैं मानता हूँ कि आज भी इंडस्ट्री में जो भी किड्स है, जो किड्स ग्रो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चाइल्ड एक्टर्स आगे बढ़ रहे हैं, आई वॉन्ट टू गिव देम अ मैसेज कि पेरेंट का हमेशा एक सेट पे होना बहुत जरूरी है, ताकि आपका बच्चा उसका बचपना ना खोए और पूरी जिंदगी वो उसके लिए आपको थैंकफुल रहे. दैट्स ट्रू. अच्छा, एक बहुत ही बड़ा कारनामा आपने और किया डियर मून क्रू में, यस, शामिल होकर के देश का नाम आपने रोशन किया, वो कैसे हुआ, थोड़ा सा अगर उसके बारे में और बताएं, और अभी स्टेटस क्या है, कब आप जाने वाले हैं, क्या तैयारी चल रही है उसके पीछे? सो ऑफ कोर्स 2018 में इलॉन मस्क एंड यूसा कुमारजावा ने अनाउंस किया था कि दे आर टेकिंग आर्टिस्ट टू द स्पेस, एंड सिंस देन दे हैव गॉन थ्रू मैनी ऑफ द, लाइक मैनी ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेसेस, मैनी इंटरव्यूज, मेडिकल्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट. सो आई थिंक 2021 में हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, एंड इट वॉज 1.5 ईयर लॉन्ग प्रोसेस, और कोविड भी था उस टाइम. So we were mostly doing it on Zoom and all of that. लेकिन जब finally हमारा selection हुआ in November, मैं कैसे सोचा कि मैं apply करता हूँ या क्या, कि I was just shooting on the set of Balveer and I saw it online कि ऐसा कुछ project है, and I said just चलो apply करते हैं उसमें क्या है, and it was just impromptu. I also remember we were shooting a fight sequence that day and I was too tired, but मैंने बोला डेडलाइन है आज रात 8 बजे से पहले, यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन. सो मैं बोला सब छोड़ो, शॉर्ट खत्म हो गया, अभी पहले एप्लीकेशन बनाओ. एंड इट वॉज जस्ट द बूम आई गॉट फ्रॉम इनसाइड कि मुझे इसमें करना ही है, कनेक्ट करना है. और वो फिर प्रोसेस स्टार्ट हो गया, काफ़ी महीनों तक वो प्रोसेस चला, एंड 1.5 साल बाद जब सिलेक्शन हुआ, सो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज. एंड आई रियलाइज द पावर ऑफ सोशल मीडिया देयर, कि आप कहीं भी बैठे, कहीं से भी कनेक्ट करके आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो. एंड डियर मून इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट. और हम जो 8 लोग हैं, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, वी नेवर थॉट कि हम कभी साथ में काम कर सकते हैं. US से डायरेक्टर है, फोटोग्राफर आइसलैंड से हैं, चेक रिपब्लिक से डांसर है, जापान से म्यूजिशियन है. सो इट्स अ ह्यूज क्रू वी हैव. So I'm really excited about it, and बस अभी जैसे आगे अपडेट्स आएंगे मैं सोशल मीडिया पे करता रहूँगा. फ्रस्ट्रेटिंग है इंतजार करना. फ्रस्ट्रेटिंग तो है ऑफ कोर्स, बिकॉज बट आई थिंक दिस इज नेसेसरी कि जब तक आप मेक श्योर नहीं हो जाते एक स्पेस फ्लाइट के लिए, तब तक आपको वेट करना चाहिए. सो या वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट, एंड तब तक बालवीर तो स्पेस में जा ही रहा है. करेक्ट. अच्छा, आप लोग का पसंदीदा सुपर हीरो कौन है? और मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि निजी जिंदगी में अगर आपको कोई सुपर पावर मिले, तो आप कौन सा सुपर पावर चाहोगे और क्या बदलाव लाना चाहोगे?
कोई चीज जो आपको परेशान करती हो सोसाइटी के बारे में? मेरा पसंदीदा सुपर हीरो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ना वहाँ पे डिज्नीलैंड ले जाया गया था अभी कुछ 5-6 साल पहले, जहाँ पे जाकर हर कोई खुश होता है, एवरीबडी लव्स इट इन ओरलैंडो, राइट? मुझे इतना गुस्सा आया था, आई डू नॉट कनेक्ट टू द फैंटेसी काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, मार्वल ये वो जो सब है, मुझे लगता है क्या प्रॉब्लम है ना, स्पाइडरमैन ले लो या कोई भी ले लो, एक तो कपड़े ढंग के नहीं पहनते, ऊपर का नीचे पहनते, नीचे का ऊपर पहनते, क्या बात हो रही है? तो पहले तो भाई तुम फैशन सेंस ठीक कर लो, है ना, देन आई विल थिंक अबाउट यू बीइंग अ सुपर पावर, आई मीन सुपरमैन. So no, I don't have a specific on-screen Superman as such. Are you not really happy with Akhil ka bhi costume na? No, no, I love the way it looks. So it's a good dressing sense, but it is too heavy. Just 22 kgs with all everything, you know. Oh yes, it's too much. My body is too weak. That is it. Otherwise, I think I look she gorgeous looked in very that. Glam. Yeah, it was a very, they took 3-4 months to make that costume. So it was nice. Lekin so, Superman to bilkul mere time ke nahi insaan hai. Unhe pehle kapde पहनना सीखना होगा. मुझे अगर सुपर पावर अगर आप देते हैं तो आई वुड लाइक टू प्रॉब्ली चेंज पीपल्स हार्ट्स टुडेज जो चल निकला है सब कुछ. यस, इफ सम दैट कुड बी चेंज, थोड़े लोग अगर ज़्यादा सच बोलें, थोड़े लोग ज़्यादा एथिकल हो जाएं, और डिविजन डिस्पैरिटी बहुत बढ़ रही है. अगर मैं किसी तरह उस डिस्पैरिटी और डिविजन को हटा सकूँ, बिकॉज आई डोंट केयर इफ आई एम कपूर और खान, I am Ada and I am human. That's all. सुना आपके father? Yes, my dad was from defence. उन्होंने हमेशा हमें for us the God has been our motherland. जो flag है वही हमें पता था कि भई इनकी तरफ देखना है और इन्हीं की पूजा करनी है. यही सिखाया गया था. I still remember I had a best friend in I think 9th standard somewhere. तो शी वॉज अ मुस्लिम, तो उनकी मदर बहुत गुस्सा होती थी कि तुम्हें नमाज पढ़ना नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, वो सब यू नो. तो मैं पापा के पास गई ना, ऐसे पापा मुझे ना नमाज पढ़ना सीखना है, मैंने आखिरी बार बोला हूँ. जो डांट पड़ी मुझे, ही वॉज लाइक डोंट टॉक स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ मी, गो टू द लाइब्रेरी, सिट, स्टडी, कल 5:00 आई वॉन्ट यू ऑन द टेनिस कोर्ट. आई सेड ओके पापा, डन, टॉपिक शट. सो फॉर मी इट हैज बीन ऑलवेज लविंग पीपल with no bias, and if I could change that in people's heart, yeah, that's the most important thing. Yes. No particular superhero person. I'm not a very Marvel DC person. शक्तिमान भी है ना? हाँ, मैं वही बोल रही हूँ. शक्तिमान मैंने कभी बचपन में थोड़ा बहुत देखा होगा. Of course, I know about it. But हाँ, इंडिया पे इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है. तो मेरे तो घर पे ही मेरे सुपर हीरोज हैं. मेरे पेरेंट्स में हमेशा वही बोलती हूँ. और रही बात क्या आपने सेकंड सुपर पावर कोई हो जो आप कुछ बदलाव सोसाइटी में अगर कुछ बदलना है तो देन ऑफ कोर्स लिटरेसी इज समथिंग दैट आई थिंक विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एट अ लॉट ऑफ लेवल. अगर मैं किसी में ह्यूमैनिटी इंकल्केट कर पाऊँ, ये सोच लो कि आप जो कर रहे हो दूसरे इंसान को कैसा लगेगा. टू डू टू अदर्स एज आई शुड As they would do to me, ऐसा कुछ नहीं बताइए. नहीं ये है कुछ phrase है जो sorry please check it on. तो ये बचपन में कुछ हम बोलते थे. तो yeah, I believe in that कि आप वो करो जो आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ करें. करेक्ट करेक्ट. देव. So for me, I think I really love Balveer as a superhero. Of course. बिल्कुल. As a personal point of view, I am a really big fan of Hanuman ji. So I was about to say that. Na, that thought came to me. हमारे तो हमारे personal superhero है हमारे पास. Hanuman. Yes, it's Hanuman. I watched it 3 times in theater. It might sound a little silly, but I used to love King Kong. एक movie आई थी. तो उसमें वो जो shot था ना, जब King Kong ऊपर होता है और उसको मार रहे होते, मैं बहुत रोई थी. तो मुझे लगा था कि शायद आई एम इन लव विद किंग कॉन्ग. स्टॉप, दैट्स अ मंकी एंड दैट टू मंगोलियन जायंट वन, यू नो. सो या ऑफ कोर्स हनुमान जी, एंड एज अ पर्सनल लेवल माय डैड इज माय सुपर हीरो, आई कैन से दैट. सो सुपर पावर जो और कुछ चेंज जो आपको लगता है बालवीर की सुपर पावर्स और क्या चाहिए, इसमें सब कुछ आ गया ऑलरेडी सुपर पावर्स में. ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई एम श्योर ये और ऊंचाइयों पर जाने वाला है आपका शो 4th season. ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.